नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ये वीडियो दोस्तों, इन प्रश्नों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बगल में दिए हुए बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लें। दोस्तों, यह निःशुल्क चैनल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली ऐसे ही एक दो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों हीरा होता है। सबसे उत्तम कोयला, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। जल का शुद्ध रूप, तो जल का शुद्ध रूप जो है वर्षा का जल होता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। नोबेल गैस किसे कहते हैं? नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों, विद्युत धारा जो मापी जाती है वो अमीटर से मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क, तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जेएल बेयर्ड ने। राडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एसिटिक अम्ल। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल। दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही, इसका उत्तर होगा सिल्वर नाइट्रेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। प्याज व लहसुन में गंध होता है, तो उसमें उपस्थिति पोटेशियम किसके कारण? पोटेशियम के कारण। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा रोंट जन ने। दोस्तों, अगला प्रश्न, स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉड सा। रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट। समुद्र की गहराई नापते हैं तो अल्टीमीटर द्वारा। डीएनए की संरचना का मॉडल दिया वॉटसन व क्रिक ने इसका मॉडल दिया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व, तो प्रयोगशाला में दोस्तों बनने वाला पहला तत्व यूरिया। टेलीफोन के आविष्कारक, तो इसका उत्तर होगा ग्राहम बेल। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, दोस्तों आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। चेचक के टीके की खोज जेनर ने की। जीव विज्ञान के जन्मदाता फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति, तो नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी, यूरी गागरिन। सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो रेफ्लोसिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन B12। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर विटामिन A। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा आंत। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने सन 1982 में। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा तत्व? तो रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय किरणें। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम हो जाएगा। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण, उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है ध्वनि की चाल। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, इसका उत्तर होगा गुर्दे। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मेनालिल के कारण। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, तो इसका उत्तर होगा एथिलीन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही।
और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। और फाइनली दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।